Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental sciences and basic Ayurvedic sciences. आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद का उदक वह स्रोतस की व्याधियाँ। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उदक वह स्रोतस व उदक वह स्रोतस की व्याधियाँ। उदक वह स्रोतस को हम मॉडर्न में चैनल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेट करते हैं। इसका अर्थ है कि जो शरीर में पानी के बहाव के लिए जो भी रास्ते हैं उन्हें हम उदक व स्रोतस से संबोधित करते हैं। स्रोतस परिचय। उदक व स्रोतस का मूल तालु व क्लूम होता है। तालु को हम मॉडर्न में पैलेट से संबोधित कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, जबकि क्लूम के अर्थ में काफ़ी मतभेद देखा जाता है। क्लूम को कभी ट्रैकिया या विंड पाइप बोल देते हैं, तो कभी फेरिंग्स, पैनक्रियाज, लंग्स, या कभी गॉल ब्लैडर, या फिर कभी वाटर रेगुलेटिंग सेंटर्स इन द ब्रेन। तो ये सभी अर्थ क्लोम के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि उदक व स्रोतस दृष्टि से क्या हो सकता है। आचार्य चरक मतानुसार अगर उदक व स्रोत दृष्टि है तो उसके होने पर जीवा मतलब टंग, तालु पैलेट, ओष्ट मतलब लिप्स, कंठ मतलब गला, क्लोम मतलब ट्रैकिया, शोष तथा अति प्रवृद्ध पिपासा उत्पन्न होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास उत्पन्न होती है। जबकि ऑन द राइट हैंड साइड सुश्रुत मतानुसार अगर उदक व स्रोतस की दृष्टि है तो उससे पिपासा या सद्य मरण हो सकता है। सद्य मरण का मतलब है तुरंत मृत्यु और पिपासा का मतलब है पॉलीडिप्सिया। इसी को आयुर्वेदिक रेफरेंस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे दो श्लोक से इस चीज़ को समझाएंगे। पहला श्लोक है उदक वहानाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोम च प्रदुष्यानाम तु खलवेशाम इदम विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा जीवा तालु ओष्ट कंठ क्लोम शोषम पिपासाम च अति प्रवृद्धाम दृष्ट उदक वाहन्य अल्य स्रोतांसी प्रदुष्यनेति विद्यात। यह रेफरेंस चरक विमान पांचवें अध्याय का आठवां श्लोक है और इसका अर्थ यह है कि उदक व स्रोतस के मूल तालु और क्लोम होते हैं और इसकी दृष्टि से जीवा तालु ओष्ट कंठ क्लोम में शोष होता है, पिपासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट श्लोक है सुश्रुत संहिता से, वह है उदक वह द्वे तयोर मूलम तालु क्लोम च तत्र विदस्थित पिपासा सद्यो मरणम च। मतलब उदक वह स्रोतस के दो मूल होते हैं तालु और क्लोम और वहाँ चोट लगने से पिपासा और सद्य मरण भी हो सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि उदक व स्रोतस की दृष्टि के हेतु क्या होते हैं, अर्थात उदक व स्रोतस की दृष्टि किन कारणों से हो सकती है। दोस्तों आचार्य चरक मतानुसार आम दोष उष्ण आहार विहार, भय, मद्यपान, शुष्क अन्न सेवन और तृष्णा वेग धारण करने से उदक व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक 10 अंजलि मात्रा उदक की बताई है और उदक का कार्य होता है क्लेदन करना। अब उदक अगर मूत्र व स्रोतस से निकले तो उसे ही हम मूत्र बोल देते हैं, परंतु अगर वही उदक स्वेद व स्रोतस से निकले तो हम उसे स्वेद कह देते हैं। रस, रक्त, लसीका, स्वेद व मूत्र ये सभी जो हैं उनका जो प्रमुख घटक है मतलब मेन कंपोनेंट है वो उदक है, मतलब वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तृष्णा रोग जो होता है उसमें उदक क्षय हो जाता है, मतलब कि वाटर लॉस हो जाता है, तृष्णा मतलब पॉलीडिप्सिया, और जलोदर में मतलब एब्डोमिनल स्वेलिंग में उदर प्रदेश में त्वक और मासांतर में जल का संचय हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जलोदर रोग में जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें जो स्किन है और मसल्स है उसके अंदर जो वाटर रिटेंशन हो जाता है उसी रोग को हम बोल देते हैं जलोदर। अब आगे हम देखते हैं कि उदक व स्रोतोदुष्टिजन्य व्याधियाँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों उदक व स्रोतोदुष्टिजन्य व्याधियाँ यहाँ पे 6 बताई गई हैं। पहला है तृष्णा, उसको अगर हम मॉडर्न से रिलेट करेंगे तो पॉलीडिप्सिया बोलते हैं इसे।
सेकंड अतिसार जिसे हम डायरिया से रिलेट करते हैं, थर्ड प्रवाहिका अर्थात डिसेंट्री, फोर्थ है विसूचिका जिसको हम मॉडर्न में कोलेरा और गैस्ट्रोएंटेराइटिस से रिलेट करते हैं, फिफ्थ है जलोदर दैट इज एब्डोमिनल स्वेलिंग, और सिक्स्थ है दाह दैट इज बर्निंग सिंड्रोम। तो दोस्तों यह था उदक व स्रोतस वो उनकी व्याधियों का परिचय। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेंटल एंड आयुर्वेदा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. And इस chapter के ready to read notes available है Instagram पे, जिसका link given है description box में.